गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवमोनी। तो सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय माता दी। जैसे कि नवरात्रि चल रही है तो मैंने सोचा है कि अपने लड्डू गोपाल का थोड़ा सा गरबा लुक क्रिएट किया जाए, जिसमें हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर दिखने वाले हैं। और गाइस, मैंने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें यूज़ की है, इनके श्रृंगार से लेकर इनकी ज्वेलरी, वो हम खुद बनाई है। मतलब ये टोटली यहाँ पर हैंडमेड चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। तो ये देखिए, इनकी ज्वेलरी, डांडिया स्टिक है, और ये उनकी ड्रेस है जिसका वीडियो अपलोड है चैनल पर। तो आप वहाँ से जाकर के ड्रेस बनाना भी सीख सकते हैं। तो पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को ये ड्रेस पहना देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल को ड्रेस पहना दिया, जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। मैं इनका श्रृंगार आपके साथ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं इनको जो सिल्वर ज्वेलरी पहनाने वाली हूँ, तो ये देखिए इनका नेकलेस है, जो कि बहुत ही सुंदर है। स्पेशली मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए बनाया हुआ था, वॉल चेन किससे बना हुआ है, इसका भी वीडियो अपलोडेड है। तो बहुत ही सुंदर नेकलेस लगने वाला है ये हमारे लड्डू गोपाल के ऊपर। ये देखिए, थोड़ा सा इसे सेट करना होता है, ये देखिए इस प्रकार से, बहुत ही सुंदर है। इसी प्रकार से इनकी जो इयर रिंग है, वो भी बहुत ही सुंदर है, इसी के सेट की है इयर रिंग। तो ये देखिए, हम इन्हें पहना देते हैं। ये सब चीज़ें मैं जो ग्लू आता है वही यूज़ कर रही हूँ, जो भगवान जी के लिए ग्लू आता है। तो ये देखिए, मैंने पहना दिया है। अब एक बार मैं इनके ये इस वाले कान पे पहना दूँगी। ये देखिए, धीरे से आराम से आप पहना दीजिए, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए, और इनकी सिल्वर ज्वेलरी बहुत ही सुंदर लग रही है इस ड्रेस के साथ। अब यहाँ पर हम इन्हें कड़े पहनाएंगे। तो ये कड़े में मैंने घुंघरू डाले हुए हैं, इस टाइप से बनाया था कि थोड़ा सा घुंघरू डले रहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मैं इनको इस हैंड पे ओपन करके पहना देती हूँ। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मैं फंसा दूँगी। तो ये देखिए, मैंने दूसरे हैंड पे भी इन्हें पहना दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इन्हें एक रिंग लगा देती हूँ इनके हैंड पे, लड्डू वाले हैंड पे, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है, बिल्कुल मैच्ड है ज्वेलरी से। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब मैं यहाँ पर इन्हें तिलक लगा दूँगी। मैं यहाँ पर इस टाइप से इनको तिलक लगा दूँगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ग्लू का यूज़ किया हुआ है, जो भगवान के लिए यूज़ आता है ग्लू। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसे थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, बस देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। अब चलिए, मैं आगे का श्रृंगार इनका करती हूँ, क्योंकि लगभग लगभग इनका श्रृंगार हो गया है। अब मैं इनकी जो नोज़ है, वहाँ पे एक स्टोन रख दूँगी एज अ नोज़ रिंग, सॉरी नोज़ पिन टाइप का। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर ऐसा स्टोन चिपका दूँगी इनके ऐसे। ये देखिए, लगा दिया। इसी प्रकार से मैं इनकी चिन पर भी लगा दूँगी। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लगने लगता है। अब इसके बाद ये देखिए, इसे ऐसे चिपका देते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि ये है स्टोन, तो इसे थोड़ा सा चिपकाना पड़ता है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इनकी पग बांध दूँगी, जैसे कि होती है गरबा में बेसिक, तो वैसे ही मैं इस कपड़े से बांध दूँगी। ये देखिए, तो इस प्रकार से मैं बांध देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इनकी पग को बांध दिया और बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। बहुत ही कम चीज़ों का यहाँ पे यूज़ किया है मैंने, कुछ कौड़ी थी मेरे पास वो लगा दिया है, एक मोर पंख, और ये मोर वाला पैच रखा हुआ था मेरे पास, मैंने वो भी लगा दिया है, जो कि मैंने अपने ठाकुर जी के पग पर भी लगाया था, जो कि बहुत ही सुंदर है। अब चलिए, इनका ये पटका जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और पम्पम वाला है, तो वैसे ही बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इनको लिए ये पटका भी बनाया हुआ था, जो कि मैंने इन्हें धारण करा दिया है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब ये जो इनकी डांडिया स्टिक है, मैंने बनाई हुई थी, तो मैं इनके दोनों हैंड पे दे दूंगी और बांसुरी में इनके इनके पास रख दूंगी, ताकि वो भी उनके पास रहे। ये देखिए, तो इनकी जो बांसुरी है ये भी हो गई। अब यहाँ पर दूसरा ये जो डांडिया स्टिक है, ये देखिए, मैं इसे यहाँ पर ऐसे सेट कर दूंगी, ऐसे रख दूंगी, ऐसा लगे कि हाँ डांडिया खेलने जा ही रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है आज का जो इनका श्रृंगार है। मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर यूज़ की हुई हैं, और आज बहुत ही इनका प्यारा लुक लग रहा है, गरबा स्पेशल, और जो कि मैंने अपने ठाकुर जी, राधा रानी, माता रानी के लिए जो बनाया था, तो सोचा था इनके लिए भी एक अच्छा सा ड्रेस अप होगा गरबा के लिए। तो ये रहा। सो आई होप गाइस, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की ऐसी ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए क्रिएशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।